हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, नमस्कार, सलाम, सारे नु, मेरा नाम है बिपिनपाल सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बढ़िया सर, बहुत अच्छा है, 10 में से 10 अच्छा बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है जी। तो जी दोस्तों, आज का मेरा प्रोग्राम सेट है। आज मैं जा रहा हूँ पिताजी के साथ द्वारका किसी काम से। तो पिताजी अभी फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं, पिताजी नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं, तो वी विल स्टार्ट अ शॉर्ट ट्रिप टू द्वारका। और द्वारका में जाएंगे तो अपना जो काम निपटाना है वो तो निपटाएंगे निपटाएंगे, साथ में अपना 2-3 चीज़ें और करेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन और आज का ब्लॉग। लेट्स गो गाइस। और गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि जब भी आप घर से निकले अपने मुंह पे मास्क और जेब में सैनिटाइजर लेके ही निकले। और दूसरा, घर से बाहर निकल के 2 गज दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। कीप दैट इन माइंड। अभी चलिए पिताजी। चलो जी। गर्मी कितनी पड़ रही है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है, लेकिन उसका कुछ ऐसा असर खास दिखने का। ये जी एयरपोर्ट की बाउंड्री, ये शुरू हो गया हमारा द्वारका का अंडरपास एंड वी हैव फाइनली रीच द्वारका। लेकिन द्वारका हमें से कुछ जाना है, पिताजी को बैंक में थोड़ा सा काम है, बैंक तक पिताजी को छोड़ेंगे और पिताजी अपना जाएंगे थोड़ा सा काम निपटाएंगे और उसके बाद का प्रोग्राम मैं आगे आपको बताऊंगा। आप पहुँचते हैं गर्मी बहुत भी बढ़िया। तो ये फाइनली पिताजी का काम हुआ खत्म और पिताजी वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं सीधा हम चूर चूर नान खाने, जिसका मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। इनफैक्ट 2 हफ्तों से इंतज़ार कर रहा था, 2 हफ्ते पहले खाया था और सच में बहुत मज़ा आया था। तो लेट्स डिग इन टू चूर चूर नान अगेन। एंड फ्रेंड्स, टू सेटिस्फाई माई टेस्ट बड्स आई हैव केम टू द्वारका सेक्टर 12, जहाँ पे मैं आज खाने वाला हूँ चूर चूर नान, जो है बहुत ही मशहूर और जो है ठीक मेरे पीछे। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको इस शॉप की लोकेशन बता देता हूँ। अगर मैं थोड़ा यहाँ टर्न करूँ तो ये है पीछे मेरे कारगिल चौक, एंड ऑपोजिट टू द शॉप इज़ दिस कृष्णा प्लाजा 3, जहाँ पे है तनिष्क का शोरूम। अगर आप इन चीज़ों से कोरिलेट कर पा रहे तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ और टेस्ट कराता हूँ आपको चूर चूर नान खाने। लेट्स गो इनसाइड। तो आइए दोस्तों, एक बार बात करते हैं यहाँ के ओनर से, यहाँ के कर्ता धर्ता से, कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे सर्व करते हुए चूर चूर नान। तो एक बार बात करते हैं ओनर साहब, आइए। तो ये है ओनर साहब। ओनर साहब, आप अपना नाम बताइए। टिंकू नाम है सर। अच्छा, और आप कितने टाइम से दोस्त ये अपना यहाँ चला रहे हैं अपना चूर चूर नान का बिज़नेस? 5 साल हो गए। ग्रेट। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कैसे है? मतलब पसंद तो बहुत करते हैं सर। पसंद तो बहुत कर रहे हैं। हाँ जी, ग्रेट। क्योंकि मैं लास्ट टाइम खा के गया था, मुझे आज भी टेस्ट मेरी ज़ुबान पे है, मतलब उसी की वजह से मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ टेस्ट करने के लिए भाई साहब के बढ़िया बढ़िया चूर चूर नान। तो इनके चूर चूर नान एक बार टेस्ट करते हैं भाई साहब। एक बार थोड़ा रेट लिस्ट वगैरह कुछ है अपने पास? हाँ जी सर। तो ये है जी इनकी रेट लिस्ट, और बहुत ही नॉमिनल सा रेट है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपना जो इस रेट पर जो स्वाद मिल रहा है वो कहीं नहीं और मिलेगा। और दोस्तों एक बात तो सच्ची है, मैटर ये नहीं करता कि आप शॉप चाहे रोड साइड पे लगा रहे हो या आपकी अपनी दुकान है, मैटर क्या करता है दोस्तों, आप क्या क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो और किस तरह का आपका टेस्ट है, वही चीज़ें हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। आपका शुभ नाम? सुशील है। सुशील है। और सुशील जी, आप अपना खा रहे हो चूर चूर नान या आलू नान? आलू नान। अच्छा, आप आलू नान खाते हो। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया क्या लगा दोस्त इसके अंदर? सब्जी बढ़िया है इनकी, नान अच्छे हैं।
अच्छा, नान का टेस्ट वगैरह बढ़िया? हाँ टेस्ट बहुत बढ़िया, टेस्ट बढ़िया लगा। तो कितनी बार दोस्त आप यहाँ पर अभी तक आ चुके और खा चुके हो? इधर जब भी आते हैं उस टाइम टाइम मिल गया तो खा के जाते हैं। अच्छा, इतना पसंद है आपको यहाँ का चूर चूर नान, क्या बात है। तो ये जी हमारे एक और भाई साहब है जो कि अपना, मेरे ख्याल से भाई साहब आपकी कौन सी है, मिक्स नान? अच्छा आलू नान है, आलू नान खा रहे हैं। तो भाई साहब आपका शुभ नाम? रंजन। रंजन जी, रंजन जी कैसा लग रहा है आपको नान? पहले तो आप ये बताइए। बहुत बढ़िया। और कितने टाइम से आ रहे हो आप यहाँ? यहाँ 2 साल से। 10 में से कितने नंबर दोगे इस नान? 10 में से 10 ही मिलेगा। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना मतलब अच्छा लग रहा है आपको काफी। बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब तकरीबन एक हफ्ते में कितनी बार आ जाते हो यहाँ पे? एक हफ्ते में हम 4 से 5 चार दिन आते हैं। अच्छा, जब हम जब इधर आते हैं तो हम यही खा के। क्या बात है, क्या बात है। एक और मैडम हमें मिले हैं यहाँ पे, वो चूर चूर नान खा रहे हैं। तो मैडम आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फीडबैक है चूर चूर नान के साथ? ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है खाने में। अच्छा है। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है मैडम इसके अंदर? अभी फर्स्ट बार आई हूँ इधर खाने के लिए। आप फर्स्ट बार आए हो? हाँ। लेकिन मेरा दावा है मैडम, आज आप खा के जाओगे ना आप बार बार आओगे। अच्छा। और आप मेरे ख्याल से अपने हस्बैंड के साथ आए हो? हाँ जी। हाँ, तो बस भाई साहब आप तैयार हो जाओ, मैडम आपको रोज लाने वाले हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सच में खाना इसका बहुत बढ़िया है। तो हाँ जी, तो भाई साहब आपका शुभ नाम? राजू सिंह। भाई साहब क्या सुन रहे हो, 5 साल से आप लगातार यहाँ पे आ रहे हो? 5-6 साल हो गए जी। भाई साहब सिर्फ एक चीज़ बता दो, कारण? यहाँ के अलावा खाना अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो लंच तो हमारा यहीं होना है। ओ फिटे, तो मतलब 5 साल से लगातार आप लंच यहीं पे कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी, तो अभी आपने क्या लिए जी? चूर चूर नान है। अच्छा चूर चूर नान, और ये देख रहा हूँ कि 3 सब्जियाँ आपको इसके अंदर दी हैं, तो 3 सब्जी है, रायता है, सलाद है। ओ बहुत बढ़िया। और इनमें से सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगती है? जैसे सब बढ़िया है। हाँ हाँ, बट मेरी फेवरेट है शाही पनीर। क्या बात है, तो एक बार आ हा हा, शाही पनीर के साथ? हाँ जी। आ गया मज़ा? मज़ा। तो ठीक है जी, भाई साहब को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, भाई साहब को अपनी थाली एंजॉय करने देते हैं। और ये जी अपना पेड़े, मिक्स नान, आलू नान और वो चूर चूर नान के। और ये जी तंदूर में लग रहे हैं चूर चूर नान, मिक्स नान और आलू नान, तीनों लग रहे हैं। और ये देख रहे हैं देसी घी है, ये देसी घी का उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। और इवन तंदूर में जब वो लग रहा होता है तब भी उसके ऊपर ब्रश मारते हैं भाई साहब, उसके पीछे कारण क्या होता है? उससे करारा नान हो जाता है, नान करारा। तो ये देखिए जी, अब ये ब्रश लग रहा है देसी घी का। सर खोया पनीर, खोया पनीर मिक्स है दोनों, और ये किशमिश, और ये काजू, और ये धनिया चुकंदर, और ये अमूल मक्खन। निकाल लीजिए। और ये चूर चूर नान कंप्लीट। क्या बात है, वो वाला तो आलू वाला है ना? आलू नान दे दो। और ये लग रहा है जी मिक्स नान हमारा, जिसमें कि आलू पनीर और क्या मिक्स होता है भाई? आलू पनीर, प्याज, गोभी सब मिक्स। अरे बहुत बढ़िया यार। और बटर देखो आप, जनरसली मतलब जनरसली बटर इसके ऊपर डाला जा रहा है, खुला बटर, कोई अपना कमी नहीं है। पनीर वनीर डाल दिया उसके ऊपर, ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा छिड़काव किया जिसमें कि काजू, किशमिश और है आपके धनिया और चुकंदर। और ये है जी बटर, और साथ में इसको इसको चूर नहीं करना? नहीं है, तो ये मिक्स ना नहीं है। अच्छा, ये सलाद है। तो ये जी सलाद आ गया है हमारा, और ये दाल, ये शाही पनीर, शाही पनीर, मिक्स रायता, मिक्स रायता। इसमें क्या क्या है भाई साहब मिक्स रायता? गाजर, गाजर गोभी, घिया, अनार। ओ बहुत बढ़िया है। प्याज, अदरक का लहसुन का पेस्ट, और साथ में ये मिक्स वेज। और हाँ जी सर, अमूल का मक्खन है। ये अमूल मक्खन आ गया जी। और ये सर अमूल की क्रीम है।
क्या बात है, जैसे आप देख सकते हैं। ओह बहुत बढ़िया। तो सर ये खोया और पनीर मिक्स है। ओह हो सोने पे सुहागा। ये धनिया चुकंदर सर। क्या बात है यार, पूरी बहुत बढ़िया थाली सजा दी है यार आप लोगों ने। तो ये जी मेरी चूरचूर नान थाली आ चुकी है। देख रहे हैं कि अपना रायता, दाल, शाही पनीर, मिक्स वेज अचार और चूरचूर नान एंड लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स, पनीर एंड खोया। खोया भी जैसे कि भाई साहब ने बताया था, और सबसे बड़ी बात अमूल पटा। तो दोस्तों अब बारी है अपने चूरचूर नान को टेस्ट करने की। तो लेट्स स्टार्ट हर चूरचूर नान टेस्टिंग एंड हियर वी गो। और सबसे पहले मैं इसे एंजॉय करना चाहूँगा, जैसे कि भाई साहब ने बताया जो कि 5 साल से आ रहे हैं, उन्हें शाही पनीर के साथ इसे खाना बहुत पसंद है। तो लेट मी फर्स्ट टेक अ बाइट ऑफ शाही पनीर। पहले इसकी ग्रेवी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सच में काबिले तारीफ, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि अपना जब तक आप खाओगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा इसके टेस्ट के बारे में। ऑसम है, ऑसम। और एक टेस्ट करते हैं इसको दाल के साथ। दाल भी बहुत बढ़िया, कसम से मज़ा आ गया। थोड़ा रायता, तो जैसे कि हमारे टिंकू साहब ने जो कि ओनर है यहाँ के, उन्होंने बताया था कि अपना रायता है मिक्स है, जिसके अंदर की चुकंदर, धनिया, बूंदी और दो तीन चीज़ें ऑर्डर दी हैं, वो शायद मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन रायता भी वैसा नहीं है कि अपना आपको भी पतला रायता जो होता है वैसा नहीं है, इट इज़ समथिंग जो कि काफ़ी गाढ़ा है और देख रहे टेस्ट भी। मज़ा आ गया। तो दोस्तों मैं कहता हूँ अपनी थाली एंजॉय, और आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं चूरचूर नान सेक्टर 12 द्वारका के, तो आपको आना होगा यहाँ पे। तो आप आइए और देखिए यहाँ के चूरचूर नान और टेस्ट करके बताइए आपका चूरचूर नान का यहाँ का स्वाद कैसा लगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त और मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय गाइस।